लिंक्ड लिस्ट पे हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक एलिमेंट को ऐड करना, नोड को किसी को ऐड करना लिंक्ड लिस्ट में, किसी नोड को डिलीट करना स्पेसिफिक नोड को, और उसके अलावा लिंक्ड लिस्ट के नोड्स को आपको सॉर्ट करना हो, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं जो कि हम किसी भी लिंक्ड लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं एडिशन के केस पे। अगर किसी नोड को लिंक लिस्ट में ऐड करना तो उसके चार टाइप्स होंगे, या तो लिंक लिस्ट को आपको कहेगा एम्प्टी में ऐड करो नोड को, या एंड में जाके ऐड करने को कहेगा नोड को, या वो कहेगा कि आप मिडल में किसी नोड को ऐड करो। तो ये चार केस हो सकते हैं किसी भी नोड को ऐड करने का लिंक लिस्ट के अंदर। अपेंड फंक्शन के नाम से इसमें हम फंक्शंस बने हुए हैं, तो फंक्शन के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये जस्ट आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाए गए हैं, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, अपेंड लाजमी नहीं। किसी भी नोड को ऐड करना हो लिंक लिस्ट के अंदर, उसके दो केस होंगे, या तो लिंक लिस्ट खाली होगी या फिर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर लिंक लिस्ट खाली होगी तो जो पी होगा, पी के अंदर बेसिकली फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, पी के अंदर पहली नोड का एड्रेस होता है इसके अंदर। अगर लिंक लिस्ट खाली होगी तो पी के अंदर नल होगा, जब कोई लिंक लिस्ट ही नहीं होगी तो हमेशा पी के अंदर नल होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और जब लिंक लिस्ट खाली होगी तो आपने जस्ट इतना सा करना है कि किसी वेरिएबल में टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड करना है, इससे न्यू नोड एक बन जाएगी, उसके डाटा पार्ट में नम डाल देना, लिंक पार्ट में नल डाल देना। ये इसकी डायग्राम है लिंक लिस्ट की। डायग्राम के थ्रू आप करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होता है, आपको समझने में भी आसानी होती है और इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। फर्स्टली इसके दो केस जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फंक्शन के अंदर हम चेक करें, अपेंड उसका नाम है फंक्शन का नाम, उसमें आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का और नंबर आ सकता है। ये लिंक लिस्ट का नाम है, दो पॉइंटर लिए हैं आर और टेम्प के नाम से। पॉइंटर इसलिए लिए हैं क्योंकि लिंक लिस्ट में हम एड्रेसेस के थ्रू जो है नोड्स को हैंडल करते हैं, तो इसलिए। देन उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब भी लिंक लिस्ट खाली होगी, यानी फर्स्ट केस के अंदर, उसमें ये होगा कि लिंक लिस्ट जब भी खाली होगी तो पी जो होता है इसके अंदर पहली नोड का एड्रेस होता है, और हमेशा जब भी लिंक लिस्ट खाली होगी तो पी के अंदर नल होगा। तो ये कंडीशन चेक करेगी कि अगर पी के अंदर नल है तो आपको ज़रूरत नहीं है लूप लगाने की या ट्रिवर्सिंग करने की, आपको जस्ट न्यू नोड बनानी है लिंक लिस्ट के अंदर और उसको ऐड कर देना है। और न्यू नोड कैसे बनती है, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड से एक न्यू नोड बनती है, डाटा पार्ट में हमेशा नम डालते हैं और लिंक पार्ट में नल डालते हैं जब भी किसी नोड को बनाएंगे, हमेशा आपने ऐसे ही करना है। तो ये तो था फर्स्ट केस। उसके अलावा सेकंड केस ये हो सकता है कि लिंक लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये तो थी एम्प्टी लिंक लिस्ट के अंदर कि अगर लिंक लिस्ट ना हो तो आपने नोड को इस तरह ऐड करना है। अगर लिंक लिस्ट हो, यानी उसमें पहले से कुछ नोड हो, तो फिर आपने एल्स में जाना है, ये एल्स पोर्शन इसलिए लगाया। तो वो हम एंडिंग वाला इसमें लिखी हुई है लॉजिक के एंड में अगर नोड को ऐड करना हो तो वैसे करेंगे। जब भी किसी नोड को एंड में ऐड करना हो तो आपने ये करना है कि सबसे पहले जो चीज़ पी में है वो उठा के आपने टेम्प में डाल देनी है। उसकी वजह ये है कि पी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एड्रेस होता है, जो कि पहली नोड का एड्रेस होता है, पी के अंदर पहली नोड का एड्रेस होगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एड्रेस होता है, इसी के थ्रू आगे सारे एड्रेसेस तक हम जाते हैं। तो पी को आपने हमेशा सेव रखना है, इसके साथ आपने मॉडिफिकेशन नहीं करनी, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि पी हमें हमेशा चाहिए होता है और पहली नोड का एड्रेस, इसलिए हमने पी में जो चीज़ होती है, जितने भी प्रोग्राम हम फंक्शंस करेंगे सारी जो भी पी के अंदर एड्रेस होगा हमेशा उठा के किसी और वेरिएबल में डाल देंगे। तो यहाँ पर टेम्प वेरिएबल ले लिए, इसके अंदर जो चीज़ पी में है वही टेम्प में डाल दी, अब जो पहली नोड का एड्रेस होगा वो टेम्प में चला गया। डायग्राम में देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पहली नोड का एड्रेस था जो कि पी में था वही हमने टेम्प में दे दिया। और जो पी और जो टेम्प है ना, इनका जो एड्रेस है वो ये है, जबकि ये सक्सेसर है, इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो इनका अपना जो एड्रेस है वो ये है और ये जो है ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। हर नोड का एक अपना एड्रेस होता है और लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ये बात आपने याद रखनी। अब आप देख सकते हैं टेम्प और पी के अंदर पहली नोड का एड्रेस है, तो हम पहली नोड तक पहुँच गए हैं। तो हमने अब ये करना है कि लूप उस वक्त तक चलाते रहना जब तक हम आखिरी नोड तक नहीं पहुँच जाते, यानी यहाँ तक। और आखिरी नोड तक जब पहुंचेंगे तो टेम्प के लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नल, यानी ये लिंक है ना टेम्प का, अभी फिलहाल लिंक पार्ट में है 200, तो ये कंडीशन हम लगा देंगे कि जब तक वो नल तक ना पहुंचे तब तक ये क्या करे कंडीशन, ये लूप जो है हमारा एग्जीक्यूट होता रहे। तो यहाँ पर हमने इसलिए यही लगाया, टेम्प का लिंक पार्ट जब तक नल ना हो जाए, टेम्प का लिंक पार्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक आपने ये करना है कि उस लूप का एग्जीक्यूट होते रहना है। और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये हर नोड को नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। ये जो स्टेटमेंट है ये करती है कि अगर टेम्प फर्स्ट पोजीशन पे है
फर्स्ट नोड पे, तो ये सेकंड नोड पे ले जाएगी, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आखिरी नोड तक ले जाएगी जहाँ पर नल आ जाएगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि सी प्लस प्लस में बेसिकली ये प्रोग्राम बना हुआ है। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो होता है, लूप के नीचे कोई भी लूप हो, एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है सिर्फ। अगर आप ज़्यादा एक से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो फिर आपको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो इससे ये इंडिकेट होगा कि इसके नीचे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बार बार चलेगी, जबकि ये जो पार्ट है इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं होगा। जब ये लूप चलेगा तो ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो कि ये वाली स्टेटमेंट्स है, यानी कि हर दफ़ा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो आखिर तक पहुँच जाएगा, आखिरी नोड तक पहुँच जाएगा। जैसे ही वो आखिरी नोड तक पहुँचेगा, उसके बाद आपने आर इज इक्वल टू न्यू नोड से एक न्यू नोड बनानी है, और उसके डाटा पार्ट में क्या डाल देना, नम, और लिंक पार्ट में नल, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि डाटा पार्ट में नम और लिंक पार्ट में नल डालना है हमेशा। उसके बाद क्योंकि आपने ये करना है कि जो नोड आपने बनाई है वो नोड है आर के अंदर, जबकि आप लिंक लिस्ट जो है, आपकी जो लिंक लिस्ट है वो जो आखिरी नोड है वो है टेम्प के अंदर, तो आपने अब इसको क्या करना है, मैप करना है, जोड़ना है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लिंक लिस्ट थी इससे प्रीवियस, यहाँ तक हमारा टेम्प पहुँच गया था यहाँ तक, तो हमने यहाँ एक और नोड ऐड किया आर के नाम से। हमने इसका एड्रेस जो कि 300 है, इसको हमने उठाकर यहाँ से यहाँ पर लाना है। यहाँ पर बेसिकली पहले जो था वो नल था, यहाँ यहाँ आपका नल होगा, तो आपने यहाँ पर ये एड्रेस उठा के यहाँ लाना है। तो इसको, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो चीज़ आर के अंदर है वो चीज़ आपने उठा के डाल देनी है टेम्प के लिंक पार्ट में, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे कि जो चीज़ आर में है, आर का यानी अपना एड्रेस, अगर आर का लिंक कहता तो वो नेक्स्ट का एड्रेस होता, तो आपने कहना है कि जो आर का अपना एड्रेस है 300, वो उठा के आपने प्रीवियस के टेम्प के उसमें डाल देना है। तो इस तरह आप जो है लिंक लिस्ट आपकी मैप हो जाएगी कि जो चीज़ आर के अंदर है वो उठा के टेम्प के लिंक।